अच्छा आज बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है आ, सिर्फ चार एक्सरसाइज हैं लेकिन ये जो अभी करेंगे सेम इसी चीज़ के कल रेपिटेशन बढ़ा के लगाने हैं जहाँ पर मैं बारह बता रहा हूँ या ट्वेंटी बताऊँगा आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है इसी तरह स्टैमिना आपका बिल्डअप होगा पहली एक्सरसाइज आपने क्या करनी है वॉक पहले कर ली वो तो मास्टर कहने की जरूरत नहीं है वॉक के बाद ये एक्सरसाइज है आपने बिल्कुल सीधा लेट गए और टांगे कर लेनी बिल्कुल सीधी हाथ आपने अपने सर के पीछे देखिए पहले एक राइट कोनी को लेफ्ट थाई के साथ टच करेंगे जितना ज्यादा क्लोज लेके आएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी बैली पे पहले बारह रेपिटेशन इधर के लगाएंगे आराम से लगाएंगे स्पीड काउंट नहीं करती स्लो लगाएंगे ठीक है तेज स्पीड से नहीं लगाना पहले बारह रेपिटेशन इधर के लगाएंगे फिर बारह रेपिटेशन इधर के लगाएंगे एक्सरसाइज नंबर वन सेट नंबर वन लाइक वन टू थ्री यानी कि बारह हो गए अब बारह आपने इधर के लगाने हैं वन टू थ्री देखिए वापस आते हुए आपने सीधा लेट जाना है अपनी गर्दन उठा के नहीं रखनी पूरा लटा देना अपने आपको फोर फाइव ठीक है इसका एक सेट हो गया बारह बारह का सेम इसी तरह दूसरा सेट भी आपने बारह बारह का हाँ अगले दिन तो आपने इंक्रीज करना है ना अभी बारह बारह लगा रहे हैं और जो अगले दिन की एक्सरसाइज होगी वो आपने इसका पहला बारह बारह का फिर दूसरा पंद्रह का और तीसरा भी कोशिश 16, 16 या 17, 17, 17 इसी तरह, तरह है। आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना है एक सिप पानी पीना है आज को तो वैसे भी ठंडा पानी पीना भूल जाते हैं और लेट जाना लेट गए अब सेम इसी तरह उसी के सिमिलर है लेकिन अब आपने क्या करना हाथ अपने सर के पीछे रखने अब राइट कोनी लेफ्ट थाई हाँ को टच करेंगे लेफ्ट कोनी राइट थाई हाँ को तो टच करेंगे लेकिन कॉन्टिन्यूस टच करते रहेंगे ट्वेंटी रेपिटेशन लगाएंगे लेकिन अब चार सेट लगाएंगे इस तरीके से वन टू देखिए स्लो मैं स्लो लोग दिखा रहा हूं फास्ट होती है one, two, three, नहीं वो नहीं करनी है स्लो करनी है लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट्वेंटी रेपटेशन हो गए आपने रेस्ट लेना है कितने जितना आपको एस्टिमेट एक रेस्ट आपने बनाया हाँ इतना मेरे लिए रेस्ट बेहतर है फॉर एक मिनट के अंदर अंदर जो बेस्ट रेस्ट होता है ना वैसे वो थर्टी सेकंड का होता है लेकिन एक मिनट के अंदर अंदर आप रेस्ट ले लें तो अच्छी बात है चाहे वो थर्टी सेकंड का है फोटी सेकंड का है फिफ्टी सेकंड का लेकिन एक मिनट के अंदर अंदर आपने रेस्ट लेना है फिर इसका दूसरा सेट लगाएंगे वो भी ट्वेंटी का ही लगाएंगे पूरी हिम्मत करेंगे वन टू थ्री फोर ठीक है ट्वेंटी हो गए फिर एक मिनट के अंदर अंदर या एक मिनट तक का रेस्ट लेंगे देखें इस दौरान इस एक्सरसाइज के दौरान आपके इतने हिस्से पर ना आपका मसल खींचेगा थोड़ी सी पेन होगी वो मस्कुलर एक्सरसाइज की पेन होती है वो होना ज़रूरी है अगर इस हिस्से में कोई फीलिंग ही नहीं आ रही तो फिर फिक्र करने वाली बात है लेकिन इस हिस्से में अगर दर्द हो रही है अक्सर लोग लगाते लगाते थक जाते हैं उनका शक्ल बन रही होती है पसीना निकल रहे होते हैं क्यों क्योंकि सारा प्रेशर आपके यहाँ पर पड़ रहा है ठीक है इसके भी चार सेट लगाना है स्क्रीन पर भी लिखा नजर आ रहा है हाँ अगर ट्वेंटी ना लगें तो आप बारह से पंद्रह से बीस फिर पच्चीस तक पहुँच सकते हैं सेम यही चीज़ नेक्स्ट डे इंक्रीज करनी है दो एक्सर्स होगी अब तीसरी नोट करें अब आपने जो थोड़ा सा रेस्ट लेना है उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे ठीक है उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे हो गए अब जो सेम एक्सरसाइज नंबर वन की थी ना अब हम वो खड़े होकर करेंगे वो तो लेट की, की थी ना अब ये हम खड़े होकर करेंगे हाथ अपने सर के पीछे रखने हैं पहले एक कोनी को लेफ्ट हाई के साथ बारह रेपटेशन इधर के लगाएंगे बिल्कुल सीधा खड़े हो गए वन टू जितना ज्यादा दोनों को क्लोज लेके आएंगे थ्री सीधा खड़े हो जाएंगे फोर हो गए बारह रेपटेशन अब बारह रेपटेशन लगाएंगे इधर के स्क्रीन पर भी लिखा नजर आ रहा है वन टू थ्री फोर बिल्कुल सुकून से आराम से कोई जल्दबाजी नहीं एक्सरसाइज को टाइम दें तब भी आपको जल्दी फर्क पड़ेगा सुकून से लगाना है जल्दबाजी नहीं करनी है आपने तो उस टाइम पे एक्सरसाइज करें जब आप फ्री हो लगा लिया आपने बारह रेपेशन दूसरा सेट थोड़ा सा रेस्ट लिया एक घूट पानी पिया फिर बारह 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 का सेम इसी तरह अगले दिन इसी को पहला बारह बारह लगाएंगे ना इसी चीज का अगले दिन हम तेरह तेरह चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह पे पहुंचेंगे लेकिन आज बारह 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 के ही तीन सेट लगाने आपने ठीक है ये तो होगी तीसरी एक्सरसाइज अब चौथी एक्सरसाइज सेम वही चीज है जो हम दिन दूसरी लेटके की, की थी ना अब चौथी एक्साइज और आखिरी एक्साइज हम खड़े होकर करेंगे हाथ सर के पीछे रखेंगे दोनों कोनियों को कंटिन्यूस टच करते रहेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसके लगाने आपने पच्चीस रेपिटेशन खड़े होकर होके के तो हमने बीस किए थे ना यहाँ पर पच्चीस ट्वेंटी फाइव लगाएंगे स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा है फिर रेस्ट लेंगे 25 लगाएंगे फिर रेस्ट लेंगे 25 लगाएंगे फिर रेस्ट लेंगे 25 लगाएंगे चार सेट लगाएंगे इसके स्क्रीन पर लिखकर नजर आ रहा है मेरे बोलने में गलती हो सकती है इंसान हूं लेकिन मैं हर चीज़ मेंशन कर देता हूं कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं स्क्रीन पे इस पे भी आपने गौर करना है चार सेट इसके हैं सेम यही चीज़ आपने कोशिश करना है इसके रेपिटेशन सेट बेशक उतने रहे लेकिन रेपिटेशन जितनी कर कर सेट चार ही लगा लें लेकिन जो रेपिटेशन है जहां मैं पच्चीस कह रहा हूं अगले दिन आपने थर्टी तक पहुंचना है पहले स्टेप पे जब आप कदम रखते हैं आखिरी स्टेप में नहीं आप पहुंच जाते आखिरी सीढ़ी भी नहीं पहुंच जाते स्टेप बाय स्टेप ही आप पहुंचते हैं और फिर आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं इतने स्टेप्स कवर कर गया हूं ये तो बड़ी खुशी की बात है समझ आ रही है ना आपको कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज को लेकर चलना है जल्दबाजी नहीं करनी वेट लॉस में फैट लॉस में कोई जल्दबाजी नहीं है अपने आपको टाइम दें और अपने साथ सीरियस हो तभी आपको फर्क पड़ेगा दुनिया की कोई ताकत अगर आप सीरियस नहीं है ना तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको हिला भी नहीं सकती और अगर आप सीरियस हैं तो दुनिया सारी आपको रोक लेगी आप कुछ भी करके अपना रास्ता निकाल लेंगे क्योंकि आप सीरियस हैं अपने साथ सिंपल इज दैट